ये अवधूत नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और जब वहां थोड़े बड़े हुए 5-6 वर्ष की अवस्था में तो हमेशा निरंतर तो भगवान का स्मरण रहता ही था, लेकिन कई बार बच्चों के साथ खेलते खेलते कभी लक्ष्मण जी के आवेश में आ जाते, कभी बलराम जी के आवेश में आ जाते और नित्यानंद स्वयं अवधूत है। एक बार बच्चे खेल खेल में रामलीला खेल रहे थे। अब रामलीला में भगवान श्री रामचंद्र जी का एक रोल अदा कर रहा था एक बच्चा और इनको बनाया गया लक्ष्मण, जो कि स्वयं लक्ष्मण भी हैं, और एक बच्चे को बना दिया हनुमान जी और एक को मेघनाथ बना दिया। मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा है। युद्ध हुआ तो उसमें शक्तिवान मेघनाथ ने छोड़ा और सीधा वो नित्यानंद प्रभु अर्थात लक्ष्मण जी को लगा और लक्ष्मण जी एकदम से उस बाण को लगती आवेश में आ गए, लक्ष्मण के आवेश में आ गए और एकदम हाय करके नीचे धड़ाम से गिर पड़े और पूरे आवेशित थे। वहां पर पड़ी उनकी चिकित्सा हुई, बच्चों ने कहा उठ जाओ उठ जाओ, तो हनुमान जी को जो है भेजा जाओ तुम जो संजीवनी कुटी लेकर के आओ। अब ये तो लीला चल रही है, बच्चे तो सोच रहे हैं ये रामलीला चल रही है। वहां सच में आवेशित हो गए नित्यानंद प्रभु, लक्ष्मण जी का आवेश पूर्णतम आ गया और सच में मूर्छा को प्राप्त हो गए। हनुमान जी चले गए, बच्चे हैं खेल खेल में, खेलते खेलते किसने मिठाई दी, वो खेल खेल में चला गया हनुमान जी का निकला। अब यहां सच में मूर्छित पड़े हैं नित्यानंद प्रभु, सब बच्चों के होश उड़ गए, अरे ये तो सच में मूर्छित है, उठा रहे जो रहे पानी डाल रहे कुछ नहीं हो रहा है। तो वहां पर एक सज्जन साधु वहां आए, उनसे कहा देखो नित्यानंद को ये जो है उठ नहीं रहे और मूर्छित हो गए। बोले कैसे मूर्छित हुए? बोले रामलीला खेल रहे थे हम सब बच्चे। अच्छा तो मेघनाथ बने हुए बच्चे ने प्रति भी छोड़ा और ये लक्ष्मण थे, लक्ष्मण को उनको शक्ति आघात हुआ, ये मूर्छित हो गए। अच्छा हनुमान कहा है? तो हनुमान तो गया हुआ है, बुला के लाओ। हनुमान को बुलाया, तुम्हें कहां भेजा था? तो संजीवनी लेने चलो, संजीवनी लेकर आओ। झूठ मूठ लेकर के हनुमान जी का रोल किया उसने, फिर से पहाड़ को लेकर आया और संजीवनी उसमें से लेकर के सुसैन वैद्य बने जो साधु जी हैं उन्होंने उठा करके ऐसे उनको सुंघाया। जैसे ही सुंघाया एकदम जय श्री राम करते हुए नित्यानंद प्रभु खड़े हुए, कहां है मेघनाथ, कहां है मेघनाथ, मैं अभी उसको मारता हूं। उस आवेश नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु हरिनाम करते रहते 24 घंटे, भगवान का स्मरण करते रहते, कीर्तन करते रहते और ज्यादा समय उस ग्राम में नहीं रहे, वहां से चल पड़े। अवधूत थे ना, अवधूत का मतलब कल बड़ा सुंदर तपन प्रभु जी ने बताया, जिसको संसार का कतई ज्ञान नहीं रहता, बिल्कुल पागलों और बावलों की तरह प्रतिक्रिया रहती है और अंदर में भगवान की लीलाओं का स्मरण चलता रहता है। जैसा जैसा आवेश आता है उस हिसाब से वो हरकत करता है तो लगता है बाहर ही पागल हो गया, लेकिन अंदर वो लीलाओं का आस्वादन करता रहता है, इसलिए उसको अवधूत कहते हैं। उसको ये नहीं पता रहता बाहर गर्मी है सर्दी है और क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है क्या पीना है, कुछ पता नहीं रहता है, उसको कहते हैं अवधूत। तो ये अवधूत नित्यानंद प्रभु हरि का चिंतन कृष्ण का चिंतन करते हुए वृंदावन पहुंचे। बोलो वृंदावन धाम की। वहां पहुंच करके पूरे तीर्थों पूरे भगवान की जो नित्य लीला की हुई है उन स्थलों का दर्शन किया और वहां पर भ्रमण कर रहे थे तो वहां किसी साधु ने बताया अरे भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और वो कहां है? नवद्वीप में, और वही कृष्ण जो है महाप्रभु के रूप में प्रकट है। जैसे ही उन्होंने सुना तो इनको पूरा रोमांच हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लगा, अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहुंचे नवद्वीप धाम। लेकिन अब क्या है, ये गुरु तत्व है, बड़े भी हैं। अब ये कह रहे हैं अगर वो महाप्रभु मेरे कृष्ण हुए तो वह मुझे पहचान लेंगे और मेरी खोज खुद कर लेंगे। अब इन्होंने जो है
वहां किसी को नहीं बताया और नंदन आचार्य जी का आश्रय लिया। नंदन आचार्य जी एक नक्ति में बहुत बड़े आचार्य हुए, बड़े भक्त हुए महाप्रभु के, और उनके यहां पर ये ठहरे और उनको भी कहा कि मेरे बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहां पर हूं। ठीक है, अब ये तो वैष्णव सेवा में बड़े आनंद लेते थे नंदन आचार्य। उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, जो आपने कहा वैसा ही होगा। इन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये नित्यानंद प्रभु मेरे यहां पर ठहरे। अब नित्यानंद प्रभु यहां ठहरे और महाप्रभु जो अंतर्यामी है इनको स्वप्न हुआ कि नित्यानंद प्रभु आप पधारे और कहा कि देखो सुबह उठ करके सब जब कीर्तन हो गया और सबको बोला देखो यहां पर नित्यानंद प्रभु आ गए हैं और उनको ढूंढो। तो श्रीवास जी को, हरिदास जी को, सबको भेजा और अन्य अन्य भक्तों को भी जाओ सब जगह ढूंढो। सबने ढूंढा, सबसे पूछताछ की। नंदन आचार्य जी के जो है होठ बिल्कुल सिले हुए हैं, किसी को बता नहीं सकते, बताया नहीं, सब जगह पूछा। तो आकर के शाम हो गई और कहा महाप्रभु ऐसा कोई भी सन्यासी, ऐसा कोई भी भक्त, ऐसा कोई साधु यहां पर नहीं बता रहा है नवदीप में। आपने जो कहा हमने उसका पूरा आपका आदेश का पालन करते हुए उनको ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई सज्जन भक्त साधु कहीं नजर नहीं आया। तो महाप्रभु मुस्कुराए और कहा चलो मृदंग ले लो और मजीरे ले लो, करताल ले लो और चलो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम सीधा कहां पहुंचे? नंदन आचार्य जी के आश्रम में, आंगन में, और वहां जाके सुंदर तरीके से कीर्तन किया। और श्री व्यास जी को उन्होंने इशारे से कहा कि श्रीमद् भागवतम का एक सुंदर श्लोक जो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पकड़ने के लिए कहा था वो कहो। महाराज जी वो एक बार श्लोक बोल दीजिए तरह ुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदय बृंदारण्यम स्वपद रमणम ये श्लोक सुनते ही नित्यानंद प्रभु तो एकदम आवेशित हो गए, अष्ट विकार हो गए और बाहर जाकर महाप्रभु के चरणों में गिर गए। हा कृष्ण हा कृष्ण हा महाप्रभु कहते हुए एकदम दंडवत प्रणाम करते मूर्छित हो गए कि मुझे मेरे प्रभु मिल गए। इतना सुना और सब लोगों ने उनका दर्शन किया, इतना तेज उनके शरीर से प्रकट हो रहा था, पूरा शरीर जो है रोमांचित हो रहा था उनके दर्शन किए और महाप्रभु ने उनको गले से उठा करके लगाया है तो यहाँ उनका मिलन हुआ। बोलो महाप्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि उनकी लीलाओं को समझ पाना बड़ा मुश्किल, कुछ कुछ लीला तो महाराज भी बताएंगे। अब मुझे एक बहुत अच्छी लीला उनकी याद आती है, मैं सुनाता हूँ। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो षड गोस्वामियों में से बड़े ही विरक्त संत हुए, उनका बार बार महाप्रभु के चरणों में प्रीति थी और उनका आपने कई बार सुना है उनके पिताजी महाजमींदार बहुत बड़े जमींदार थे। उनको उस समय 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का वार्षिक आय थी और ये इकलौती पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु का अद्वैत आचार्य जी के घर पर आश्रम पर जब दर्शन किया, उनकी सेवा की चातुर्मास में, तो उनका जो है संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई और महाप्रभु के चरणों में पूर्ण प्रीति हो गई। वो घर छोड़कर जाना चाहते हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं कि मैं महाप्रभु के साथ रहूं और कई बार भागे, एक दो बार ने कई बार, और पिताजी ने इतने बड़े बड़े सेवक उनके पैरे पर लगा रखे थे कि जैसी भागते उनको पकड़कर ले आते। तो एक बार ऐसे ही
ये जब भाग कर गए पता चला कि वृंदावन से आए हैं महाप्रभु और जा रहे पुरी को, तो रस्ते में जाकर के मिले हैं, वहां जाकर इनको प्रणाम किया और कहा महाप्रभु मेरा मन नहीं लगता संसार में, मुझे अपना सेवक बना लीजिए, अपने साथ रख लीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ये प्रार्थना की तो महाप्रभु ने कहा देखो मरकट वैराग्य मत करो। मरकट वैराग्य क्या होता है? जैसे बंदर होता है, बंदर कितना बड़ा सन्यासी है देखो, उसको किसी प्रकार का वस्त्र नहीं चाहिए, किसी प्रकार का धन नहीं चाहिए, किसी प्रकार का घर नहीं चाहिए, पेड़ों में रहता है, जंगलों में रहता है, और जब मौका लगता है बंदरे दिखती है तो सारा वैराग्य खत्म। तो ऐसा मरकट वैराग्य नहीं करना है। कैसा करना है? वैराग्य युक्त जो वैराग्य होगा, युक्त वैराग्य जब आएगा हृदय में तब प्रेम पैदा होगा। तो सच्चा वैराग्य सहित आपको जो है संन्यास लेना है। इसलिए तुम एक काम करो कि घर में जाओ और घर में रह करके धीरे धीरे जो है संसार से आसक्तियां बिल्कुल त्यागते हुए और भगवान में प्रीति जोड़ते हुए तब तुम वैराग्य करना, तब तुम आना। तो इस तरीके से जब महाप्रभु ने आदेश दिया तो वापस आ गए। क्या करते? अब यहां बहुत बड़ी शिक्षा है। महाप्रभु क्यों भेज रहे हैं? महाप्रभु इसलिए भेज रहे हैं कि बिना गुरु तत्व के आ गया सीधा भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। अब समय बीता तो इसमें और एक शिक्षा है, महाप्रभु रात को स्वप्न देख करके सवेरे उठते ही बोले देखो मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले एक सुंदर रथ कहाँ से आया, उसका नाम है जैसे यहाँ पर जगन्नाथ जी रथ यात्रा होती है ना, पूरी में तीन रथ है, एक जगन्नाथ जी के लिए, एक बलदेव प्रभु और एक सुभद्रा है। तीनों रथ का अलग अलग नाम है। जगन्नाथ जी रथ का नाम नंदी घोष और बलदेव प्रभु रथ का नाम तालक घोष और सुभद्रा रथ का नाम देवदलक। इसमें तीन रथ है। जब मैंने स्वप्न देखा इस सुंदर रथ में एक बहुत बड़ा दिव्य महापुरुष आया है जिसका नाम तालक ध्वज। बलदेव प्रभु ने ताल बद में श्री बद उन्होंने किया, श्री गर्धवासुर को बद किया था, इसलिए वो रथ का नाम तालक ध्वज। जिसमें ताल एक पेड़ होता है, इसका चिन्ह रहता है। बड़े सुंदर रथ में एक महापुरुष आए और पूरा नवद्वीप को आकर के छान भी रहे, कहती ये क्या मेरे प्रभु का घर है, ये क्या गौरव हरि का घर है, ये क्या गौरव हरि का घर है। यही नित्यानंद प्रभु जब जगतपुरी में आ गए, वृंदावन आए थे, मंदिर में गए, ठाकुर को दर्शन करिए, लेकिन सारे मंदिर में गए तो देखा मंदिर खाली, किसी मंदिर में कन्हैया है नहीं, कृष्ण है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा भैया कृष्ण कहाँ, कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे हैं? इतने में आकाशवाणी हुई, बोले देखो जो वृंदावन को जो कन्हैया है ना, अभी नवद्वीप का निमाय बन करेगा, समझ रहे हो? वृंदावन का जो कृष्ण है अभी नवद्वीप में श्री गौरव हरि बन करके आए, अभी इसलिए ये मंदिर तो खाली पड़ा हुआ है, इस मंदिर में कोई है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण तो अभी नवद्वीप ना महाप्रभु रूप में, चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतीर्ण भी मिल जाओ, वहीं पर तुमको श्री महाप्रभु कृष्ण वहीं पर मिलेंगे। इसलिए वो आकर के छुप गए। बोले छुप गए क्यों? अगर वो मेरे सही प्रभु हो मेरे को ढोड़ लेंगे। इसलिए अगर से उन्होंने तो आकाशवाणी सुनी कृष्ण ही नवद्वीप में आए, और मैं हूँ कौन हूँ, बलदेव प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु और कृष्ण कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु, अगर मेरे सही सही वो प्रभु हो ना वो मेरे को पहचान लेंगे, अपने आप ढूंढ लेंगे, इसलिए मेरे को ढूंढने का जरूरत नहीं, वो ढूंढ लेंगे। इसलिए महाप्रभु ने भक्तों को ये स्वप्न की बात बताई, वो ये बहुत बड़े महापुरुष आए, ढूंढ जाकर उनने सारी गली गलियों में तन तन करके ढूंढ लिया, लेकिन तो किसी को था नहीं पाए। जब था नहीं पाए बोले प्रभु कोई महापुरुष देखे, तो महाप्रभु बोले चलो मेरे साथ में चले। तो उन्होंने महाप्रभु सीधा उनको घर में आए और नित्यानंद प्रभु को प्रकाश किया, उसमें शिक्षा किया। इसमें प्रभुपाद उसमें कहते हैं कि जो गुरु तत्व जो नित्यानंद तत्व दुर्लभ है, कोई अपना इच्छा से गुरु जी को बा नित्यानंद प्रभु का आप स्वयं नहीं ढूंढ सकते हो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता की। कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 84 लाख योनि में भटकते भटकते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को क्या मिलता है, बोले गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति लता की बीज उनको प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो लता एक भक्ति है, जो लता इसको भक्ति को साथ उदाहरण दिया, लेकिन बीज बगैर बीज से लता होगी नहीं। इसलिए बीज किसकी कृपा से मिलेगी, वो श्रद्धा बोले गुरु और कृष्ण कृपा से मिलेगी। किसकी कृपा से, गुरु और कृष्ण, कृष्ण कृपा की बताए कारण क्या, और इसका कारण बताए बोले जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होना हम सदगुरु के पास में हम पहुंच नहीं सकते। हमें सदगुरु के पास में कौन पहुंचाएगा, हमें सदगुरु के पास में कौन पहुंचाएंगे, भगवान पहुंचाएंगे। वो अगर हमारे पास में नहीं पहुंचाएगा सदगुरु के पास में, हम स्वयं सोचेंगे नहीं हम तो गुरु ऐसे व्यक्ति को करेंगे जिसकी करोड़ों करोड़ शिष्य हो, लोग चाहते हैं जिसको करोड़ों करोड़ नाम बड़े दुनिया में नाम हो, करोड़ों करोड़ शिष्य हो, जिसकी बड़े ये हो, समझ रहे हो। इसलिए कहते भैया हनुमान भी स्वयं मोहित हो गए, हनुमान भी मोहित हो गए ना, कब मोहित हो गए, कब मोहित हो गए, जिस समय लक्ष्मण की शक्तिशाली प्रभु बता रहे थे ना, लक्ष्मण का शक्तिशाली सुषेण वैद्य ने कहा गंधमार्दन पर्वत से जड़ी बूटी लेकर के आओ। अभी हनुमान जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, रावण ने कालमेन को बुलाया, तो देखो मैंने सुना ये हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहे, अगर बीच में किसी तरह से हनुमान को केवल एक रात रोक लो बस हमारे काम बन जाएगा, फिर तो लक्ष्मण बन जाएगा, और लक्ष्मण अगर बन जाए ना हमारा काम आधा बन जाएगा। राम तो उसको विरह में ही, राम आधा ही बन जाएगा, फिर आधा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेज दिया किसको, कालनेमी को। कालनेमी ने एक साधु का रूप धारण कर दिया और बीच में आकर के रघुपति राजा रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीता। अब वो बीच में बैठ करके प्रभु का नाम जप कर रहा था, हनुमान जी ने देखा भैया गुरु भैया कहाँ जा रहे, बीच में यहाँ पर हमारे गुरु भाई कहाँ जा रहे, बस हनुमान जी उतर करके आ गए। इतने में काल नहीं हो वो सब जानता है, सब जानता हूँ लक्ष्मण का शक्ति से हुई ना, हाँ तो तेरे को जो वैद्य ने गंधमार्दन पर्वत भेजा जड़ी बूटी के लिए, बोले भैया ये सब जानता है, ये तो पक्का साधु है, वो सब जानता है ना, पहले सारी खबर लेकर के आया, बोले भैया ये तो पक्का साधु है, सब जानता है, बोले ये तो भैया साधु है, हैं, बोले देखो एक काम करो एक रात यहाँ रुक जो सबर जाना, बोले नहीं हम रुक नहीं सकते हम जाना पड़ेगा, बोले राम की इच्छा को पकड़ के पता भी नहीं था भैया, सही बात कह रहा है, बोले एक काम करो जाओ स्नान करके आओ दीक्षा मंत्र दूंगा फिर तेरे को चुटकी बजा दूंगा तेरे को भेज दूंगा। बाद में जब उसने स्नान के लिए गई मगर बच्ची को मारा, इतने में मगर बच्ची एक अफसर ही बनी, फिर वो देखो वो बीच में जो साधु है ना, साधु ने काल देवी वो रावण भेजा तेरे को रास्ता बंद करने के लिए, तेरे रास्ता बंद ले आए, फिर तो हनुमान महाराज तो गुफरी उसको छका छुड़ा दी, उसकी छका छुड़ा कर गई। यहाँ पर कहते हैं, कहते ये हनुमान जगत को शिक्षा दे रहे हैं, ये हनुमान जैसे व्यक्ति भी यहाँ भ्रमित हो जाते। इसका मतलब है अगर हमें भगवान सही सही जगह में नहीं भेजते, हमें सही सही जगह में अगर ठाकुर जी हमें नहीं भेजते है ना, हम पहुंच नहीं सकते, अपना इच्छा से हम पहुंच नहीं सकते, नहीं तो काल नहीं मिल जाएगा हमें, काल नहीं मिल जाएगा फिर कम खा जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु ये चीज को शिक्षा देने के लिए जाओ, तुम लोग ढूंढ करके आओ, तुमने सारे नगर नगर को चार मिल दिया लेकिन कहीं नित्यानंद प्रभु को मिला नहीं, लेकिन महाप्रभु बोले मेरे साथ में उन्होंने सिखा गए और बोले ये यही नित्यानंद प्रभु। इसका मतलब है जब तक ठाकुर जी कृपा हमारे ऊपर नहीं करेंगे ना, जीवन में हमें सदगुरु भी प्राप्त नहीं होती, हमें सदगुरु नहीं मिलती,
इसलिए कृष्ण कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं। गुरु जी कृपा से कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण कृपा से हमें गुरु मिलेंगे। जगत में ऐसे कुछ गुरु है बोले गुरु गुरु कोई भगवान भगवान जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मतलब भगवान की कोई जरूरत नहीं, गुरु ही सब कुछ है। ऐसे कुछ संप्रदाय भगवान भक्ति करने का जरूरत नहीं, भगवान भगवान को पूछने का कोई जरूरत नहीं, गुरु ही सब कुछ। ऐसे कुछ संप्रदाय गुरु ही सब कुछ, भगवान भगवान पूछने बोले नहीं, गुरु का काम ये नहीं, गुरु का काम है ठाकुर जी तक पहुंचाना। वो मतलब अंधकार, रू मतलब आलोक, हमारी हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार हटा करके हमें जो कहां से पहुंचा दे, हमें भगवान को पहुंचा दे, ये गुरु जी का काम। जैसे नारद जी ध्रुव जी को मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दिया, ओम नमः भगवते, तो उन्होंने ये नहीं बताया तू मेरा ही पूजा कर, नहीं भगवान। जैसे नारद जी वाल्मीकि से मिले, कौन सा नाम दिए, राम का नाम, बोले राम का नाम को जप कर। इसलिए गुरु का काम है जीव को भगवान तक पहुंचा, इसलिए गुरु को कृपा से भगवान और भगवान की कृपा से गुरु जी प्राप्त होते हैं। इसलिए उनकी लीला के द्वारा उन्होंने ये शिक्षा दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी बार बार भाग करके जाते थे तो महाप्रभु ने समझाया कि जाओ पहले घर में रह करके भजन करो, तो समय आएगा तब आना। तो यहाँ पर ये शिक्षा है कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, भगवान कृपा करते जैसे महाराज जी बता रहे हैं, गुरु को प्रकट कर देंगे। अगर सच्चा कोई भक्त बनना चाहता है या भगवान की भक्ति करना चाहता है तो भगवान गुरु प्रकट कर देते हैं। तो समय आया, घर में आकर के घर के कार्यों को करने लगे। माता और पिता बड़े प्रसन्न कि अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है अब घर को संचालित कर सकते हैं, इनका विवाह कर देना चाहिए। बड़ी सुंदरी लड़की से उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद फिर से इनको आवेश हुआ कि किस प्रकार से मुझे यहां से निकलना, मैं कहां फंसता जा रहा हूं घर गृहस्थी के अंदर, मेरा उद्देश्य है भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा, और मैं फिर से इस जंजाल में फंसा जा रहा हूं। उन्हें पता चला कि बंगाल में कलकत्ता के पास नित्यानंद प्रभु जी आए बहुत सारे वैष्णवों के साथ, पानी हाटी में आए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जैसे सुना नित्यानंद प्रभु वहां पहुंचे हैं तो ये वहां पर बड़े उत्साह के साथ गए और दूर से ही नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन किया और साष्टांग प्रणाम किया। ये देख करके नित्यानंद प्रभु बड़े प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हुए, कहा अरे चोर इधर आ, कहां था तू, इतने चोरी करता है मेरे धन को, तू मुझसे चुराना चाहता है और मुझे बताता नहीं है, आज पकड़ में आया, इधर बैठ। उसको बिठाया और अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान किया, उनके शीश पर उन्होंने अपना पैर रखा और कहा तू चोर है इधर ही बैठा रहे, हाँ मैं सच में चोर हूं। आज समझ में आया कि जो धन है, देखो भगवान धन किसके हैं, महान संतों के, तो नित्यानंद प्रभु के धन कौन है, कृष्ण महाप्रभु, और तुम बिना मेरी आज्ञा से उसको चुरा रहा था, इसका मतलब ये। तो मतलब तूने जो ये कर्म किया चोरी का, इसका तुझे दंड मिलेगा। और बड़ा हंसी के साथ उन्होंने कहा जितने भी मेरे भक्त हैं हजारों की संख्या में, इनको तुम दही और चावड़ा का संदेश मिला करके इनको सबको प्रसाद दुआ। तो ये तो घबरा रहे थे, पता नहीं क्या दंड मिलेगा, बोला ये तो बहुत अच्छा दंड मिला प्रभु, अभी करवाता हूँ। बहुत बड़े जमींदार के बच्चे थे, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, सुंदर तरीके से सबको दही चिवड़ा इत्यादि का प्रसाद वहां महोत्सव बना। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का आह्वान किया, महाप्रभु वहां सच में प्रकट हो गए, बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। और वहां पर सब जब प्रसाद पा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का वहां पर दर्शन हुआ, जबकि वहां चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु की वजह से वहां प्रकट हो गए। सबने सुंदर उस उत्सव को मनाया और सबने बड़े प्रेम के साथ उसको पाया। शाम को भी बड़ा अच्छा प्रसाद हुआ। अगले दिन नित्यानंद प्रभु ने कहा देखो हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं और अब मैं ये चाहता हूं कि तुम जो है महाप्रभु की सेवा करो, महाप्रभु तुम पर बड़ी कृपा करेंगे,
महाप्रभु अपने निज सेवक के चरणों में तुम्हें दे देंगे, स्वरूप दामोदर जी के चरणों में तुम्हें दे देंगे, तुम निश्चित तौर से महाप्रभु के पास चले जाओ। अब यहाँ पर गुरु की आज्ञा मिली, सिद्धदेव की जय। तो अब इन्होंने जब आज्ञा पाली गुरुदेव की, गुरुदेव ने अब आज्ञा दे दी है, अब सेवा मुझे करनी है महाप्रभु और उनके सेवकों की। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अपने निजगण स्वरूप दामोदर के पास तुम्हें रखेंगे। वही हुआ, इधर से ये रात्रि में चल दिए। और रात्रि में कैसे चले, एक वहां पर पंडित था गांव का ही, उसने कहा कि मेरा एक पुजारी जो है भाग गया है, मंदिर की सेवा कैसे होगी, और तुम्हारी हर कोई कहना मानता है, तुम उसको जाकर के मना लोगे तो वापस आ जाएगा। बोला ठीक है। उसको रघुनाथ दास जी को एकदम बहाना मिल गया वहां से निकलने का, पहरेदारों का, मैं अभी इसका इनका पुजारी लेकर के आता हूँ, तुम चिंता नहीं करो, इधर ही ठहरो। सब पहरेदार उनका इंतजार करते रहे और रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहां से गए और जाकर के उस पुजारी को ढूंढने नहीं गए, वो सीधा पुरी के लिए प्रस्थान हो गए। और वहां जाकर के उन्हें पूरे 12 दिन लगे जाते जाते। देखो भगवान के चरणों की प्रीति इतना उत्साह वर्धन करती है, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। 12 दिन तक निरंतर चलते रहे और मात्र 3 बार उन्होंने प्रसाद पाया, मतलब कि 3 बार प्रसाद पा करके वहां पहुंचे हैं। किसी प्रकार का और कुछ नहीं, जहां कहीं अच्छे संत मिल जाते वहां मिल जाता, कुछ प्रसाद तो पा लेते। रस्ते में 3 बार प्रसाद पा करके वहां पहुंचे हैं। चेतन ने महाप्रभु के चरणों में एकदम जाके साष्टांग प्रणाम किया है। वही चेतन ने महाप्रभु जिन्होंने उनको कहा था कि तुम अभी घर जाकर के जो है वहां पर घर की सेवा करते करते धीरे धीरे अंदर जो है आप भक्ति करें तब आना। वही चेतन ने महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अरे तुम आ गए इस संसार को जो कि एक मल का एक संसार है और मल के कीड़े की तरह इसमें सब फंसे हुए, तुम उसमें से निकल करके आ गए। शुक्रदेव की जय। तो महाप्रभु देखो इस संसार को क्या बोल रहे हैं, इसको टट्टी का गड्ढा बोल रहे हैं, गटर बोल रहे हैं, और जो इसमें फंसे हुए हैं सोच रहे हैं बड़ा सुख है, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हमें इन विषयों से बच करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तब जाकर के जो है भगवान की और गुरु की सेवा का हमें अर्थ समझ में आएगा। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव उत्सव मना रहे हैं और उत्साह नजर नहीं आ रहा, उत्सव उत्साह के साथ होता, जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही अद्वैत आचार्य जी को जब पता चला कि महाप्रभु और कोई नहीं स्वयं कृष्ण है, महाप्रभु ने अपने एक दूत को एक भक्त को भेजा था अद्वैताचार्य जी के पास, जाओ और उनको लिवा लाओ, कह दो कि मैं ही महाप्रभु हूं, मैं ही कृष्ण हूं और मैंने ही तुम्हें बुलाया। ये सुनते ही बड़े हर्षित हुए अद्वैताचार्य जी, सोच रहे थे कि हो ना हो मैं पहले से सोच रहा था ये कृष्ण है, और जिनको मैंने आह्वान करके बुलाया था, जिनका सिंहासन अद्वैताचार्य जी ने हिला दिया था तुलसी और गंगा जल से, वही महाप्रभु प्रकट हो गए। तो इतने इनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हृदय में पूरा आनंद ही आनंद, और अपनी पत्नी सीता के साथ और अन्य जितने भक्त सबके साथ ये बहुत सुंदर उपहार लेकर के चले हैं नवद्वीप में। और ये भी जाकर के कहां ठहरे हैं, नंदनाचार्य जी के। इन्होंने भी सोचा कि एकदम नहीं जाना चाहिए मुझे वहां पर, जब महाप्रभु मुझे बुलाएंगे तब जाऊंगा। तो श्रीवास जी को महाप्रभु ने भेजा है और कहा है मुझे पता है तुम नंदन आचार्य जी के यहाँ ठहरे हो, तुम इधर आओ जल्दी से, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनते समझ गए कि ये सच में ही भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु है, और ये पहुंचे हैं। इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। अब तो नवदीप में प्रेम की बाढ़ आई चुकी थी, यहाँ नित्यानंद प्रभु ने
जो प्रेम की बाढ़ है उसका मुहाना खोल दिया था और दीनहीन समस्त लोगों को ये प्रेम जो बड़ा ही मुश्किल से ब्रह्मा जी जैसे को भी बड़ा मुश्किल से मिला मिलता नहीं उनको यहाँ मुक्त हस्तों से बांटा जा रहा है। अनर्पित चरिम चिरात अनर्पित चरिम चिरात करो न्याय करो, मतलब कि जो अभी तक अर्पित नहीं किया था उस प्रेम को वो कलयुग में मुक्त हस्तों से प्रदान किया गया। और जब ये इस तरीके से हो रहा था एक दिन चैतन्य महाप्रभु बड़े ही उदास थे, उन्हें संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा था। तो अद्वैताचार्य जी ने हंसी में क्या कह दिया कि देखो नित्यानंद जी को इन्होंने बना दिया प्रेम का भंडारी और मुझे और हरिदास को कुछ नहीं दिया, इसीलिए मैंने क्या किया इनका जो है आनंद और इनका जो प्रेम वो मैंने खींच लिया। अद्वैताचार्य जी ने क्या कहा कि मैंने इनका प्रेम खींच लिया। अब ये सुनकर के चैतन्य महाप्रभु जो है श्री वास आंगन में जाकर के छिप गए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हो रहे, किसी को नहीं नजर आ रहे और श्री वास जी से कहा कि किसी से बताना नहीं कि मैं यहाँ पर हूं। और श्री वास जी ने भी आज्ञा मानी लेकिन कहा महाप्रभु भक्त जब भजन करेंगे भक्तों से आप कब तक छिपेंगे, भक्त के तो आप धन है, बिना आपके रह नहीं सकते, आपको ढूंढ ही लेंगे, तब भी तुम किसी को नहीं बताना। श्री वास जी ने किसी को नहीं बताया कि महाप्रभु मेरे घर पर है और सब जगह उनकी ढूंढ मच चुकी है। अद्वैताचार्य जी रोने लगे कि मैंने तो हंसी में कहा था और उन्होंने उपवास रख लिया, कुछ खाया पिया नहीं। इस तरीके से ये नित्यानंद प्रभु को पता था और श्री वास जी को पता था कि वास आंगन में है महाप्रभु और सब लोग जो है बड़े व्याकुल हो रहे, महाप्रभु कहां मिलेंगे, वह बड़े रो रहे। अब समय बीता तो गंगा स्नान के लिए जब पहुंचे सब लोग चैतन्य महाप्रभु नहीं आए तो नित्यानंद प्रभु कृपा से सबने जान लिया कि वास जी के आंगन में और सब गए नगर संकीर्तन करते हुए और वास जी के आंगन में सबने हरिनाम किया। हरिनाम करते करते महाप्रभु जी को बाहर निकाला कि महाप्रभु हमसे सबसे गलती हुई, हमने आपके चरणों में अपराध किया। और अद्वैताचार्य जी तो बहुत पूरी तरह से रोने लगे कि मेरे से इतनी बड़ी भूल हुई, मैंने ऐसी बात कह दी जबकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता महाप्रभु, मैं तो दंड का अधिकारी हूँ, मुझे तो इस शरीर को रखना नहीं चाहिए, मुझे तो गंगा में शरीर को त्याग करना चाहिए। सुनते ही अद्वैताचार्य जी को आलिंगन किया महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी इन सब ने इस पूरे कलयुग में जो महाप्रेम की बाढ़ को बांटा है खास करके नित्यानंद प्रभु ने, उसको हम लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और नहीं भी देख पा रहे हैं तो बस लगे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। प्रसन्नानंद प्रभु की जय। ओम ज्ञान विराम दस्त ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। शंकर सनकानुतर साई गर्भोद साई चकयक्ति साई शेषांत जस्याद सकला सा नित्यानंदाख्य रामं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवादादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म विदलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में
श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी प्रणाम करता हूँ। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय। बोले श्री गुरुपाद पद्मजी जय। जय श्री राधे। आज हमारे आज बहुत बढ़िया तिथि है। आज श्रीमान नित्यानंद प्रभु का जन्मतिथि। इनका नाम ही नित्यानंद। नित्यानंद मतलब क्या? नित्या मतलब नित्य हर समय। आनंद मतलब जो हर समय आनंद में। कहते एक व्यक्ति हर समय में आनंद कब रहेगा? वो तभी आनंद में रह सकता है जब जीवन में भगवान की भक्ति करेगा। भगवान की भक्ति के बगैर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के हैं लंकाधिपति रावण को भी सुख नहीं मिला, उसको भी सुख नहीं मिला। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे ये संसार कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। क्यों? जिसने दुनिया बनाया खुद कहते दुख का घर है। भैया जहां पर दुख का घर तो सुख कैसे ढूंढ रहे हो? अगर कोई संसार में सुख ढूंढता है ना तो फिर उसके जैसे बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। जो चीज नश्वर है एक दिन नष्ट होने वाले खत्म होने वाले को चीज में सुख कहां से दे सकता है? हाँ सुख तो कोई दे सकता है जो भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु शिक्षा देते हैं तब भी तुम ये नित्य आनंद में रहोगे अगर तुम्हें वो फल लगे तो। इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं कभी दस शरीर और पंच रसों से कृष्ण सेवा करते हैं। लेकिन ये कृष्ण से अलग नहीं एक ही है। केवल ये लीला विस्तार के लिए कृष्ण ही ये अभिन्न रूप में श्री बलदेव रूप में प्रकट होंगे। केवल बलदेव प्रभु देखने में गोरे और कृष्ण देखने में काले केवल इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। केवल अपना सेवा को शिक्षा देने के लिए कृष्ण हैं। केवल अपना सेवा शिक्षा देने के लिए मेरी सेवा कैसे करनी चाहिए कृष्ण ही अभिन्न रूप में श्री बलदेव और श्री नित्यानंद रूप में प्रकाशित होंगे। इसलिए ये दस शरीर से बोले दस शरीर से मतलब यदि दुनिया में जो कुछ देख रहे हो ना ये नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु। इसलिए भगवान कहते सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का तीन स्वरूप है सत्य स्वरूप है सत्य स्वरूप। बोले सत्य स्वरूप में संधि शक्ति कहते ये श्री बलदेव प्रभु। चीत स्वरूप में ज्ञान स्वरूप में ये कृष्ण और आनंद स्वरूप में ये श्रीमती राधा रानी। भगवान ये पुत्र ये भगवान ये तीनों को लेकर के भगवान है। इसलिए सत स्वरूप मतलब संधि की शक्ति। संधि की शक्ति मतलब भगवान को जो धारण करने वाले जो कृष्ण सेवा में लगते हैं ये कौन है? बलदेव प्रभु। क्योंकि माइक के बगैर कृष्ण कथा नहीं हुई। ये कृष्ण कथा को बोलता हूँ ना कृष्ण कथा कर रही थी। यदि ये क्या है बलदेव प्रभु। यदि ये क्या है बलदेव प्रभु। बोले वो क्या बलदेव प्रभु वो क्या ये क्या है बलदेव प्रभु। ये क्यों कृष्ण सेवा करता है ना इसलिए मृदंग सबसे पहले मृदंग जाता है। ये श्री बलदेव प्रभु। इसलिए सिंहासन बलदेव प्रभु उनका जो पादुका बलदेव प्रभु कृष्ण का जो वस्त्र बलदेव प्रभु कृष्ण का आसन बलदेव प्रभु श्यामर भजन करते ये बलदेव प्रभु। उनको जो छत्री डुलाते बलदेव प्रभु। उनका जो कुछ देख रहे हो ये बलदेव प्रभु। दस शरीर से कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने अलग अलग रूप में प्रकाशित हो गए। दस शरीर और पंच रस से कृष्ण का दास्य रूप में भी सेवा करता है। अगर कृष्ण कभी थक जाए कृष्ण खेलते खेलते श्री बलदेव प्रभु को गोद पर सर रखकर कृष्ण सो जाते हैं। जैसे भैया जसोदा सेवा करती है बात्सल रस में हैं। जैसे बलदेव प्रभु कृष्ण को खिलाना पिलाना देखना ये करते हैं। और श्रृंगार रस में भी हैं कहते श्रृंगार रस में भी राधा रानी की छोटी बहने अनंग मंजरी बनकर श्री बलदेव प्रभु आए और उनकी सख्य रस में कृष्ण के साथ में खेलते कूदते हैं। इसलिए पंच रसों से श्री कृष्ण की बलदेव प्रभु सेवा हर समय सेवा की ये शिक्षा देते हैं। सेवा शिक्षा श्री बलदेव प्रभु देते हैं। इसलिए इनका नाम नित्यानंद। यदि अगर नित्य आनंद में रहना चाहते हो हर समय क्या करो भगवान की भजन करो भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति में ही असली आनंद भक्ति की
भक्ति में ही असली आनंद, इसलिए इनका नाम ही नित्यानंद। हर समय इनको कहते हैं अवधूत, अवधूत मतलब दिया है आप, मतलब होता है जितने गंदी गुण, धूत मतलब भूल गया, जिनसे सारे गंदी गुण भूल गया, जो एकदम शुद्ध सत्व है, जो प्योर है, फ्री, हर समय पागल जैसे रहते थे, पागल तो है ही है, कहते हैं लेकिन वो साधारण पागल नहीं, कहते ना कोई पागल है धन दौलत के, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने पागल सब छोटे पागल है, लेकिन असली पागल कौन है, सच्चा पागल कौन है, जो पागल है इसलिए वाक्य इसलिए ये वाक्य दिया है प्रेम में, ये पागल रहते थे, इसलिए इनके बगैर प्रभु की कोई लीला ही नहीं हुई है। इसलिए ये त्रेतया युग में, कहते ये त्रेतया युग में श्री लक्ष्मण रूप में आए, छोटे भाई बन के आए, लेकिन छोटे भाई का कर्तव्य क्या, बड़े भैया का आदेश पालन करें, इसलिए उनको दो आदेश बहुत उनको पूरा लगा। एक आदेश जिस समय माता सीता को उन्होंने लंका से लाया, बोले लक्ष्मण सीता से जाओ, बोले क्यों, बोले हम परीक्षा करके ले गए सीता को, क्यों, रावण उठा करके ले गया था, छोटे भैया बड़े भैया के आदेश पालन करना ही पड़ेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता उनको सीता को अपना मां मानती, वो आराधना देवी, उनके लिए सीता से जाना था। लक्ष्मण अंदर अंदर से इतने दुखी हुए, बोले छोटे भैया इसलिए इतना गलत काम करना पड़ेगा, अपने माँ के लिए सीता सताओ, लेकिन बड़े भैया के आदेश पास। और दूसरा आदेश है, जब अयोध्या में बड़ी झगड़ा हुई किस चीज को, वो धोबी धोबी गई थी अपना पीहर, आते समय मजबूर में एक एक रात उसको केवट को पास में रहना पड़ा, क्यों, रिमझिम बारिश हो गई थी, शाम हो गई थी और नदी पार करना था, केवट ने कहा रात अकेले नदी नहीं पार कर सकता, उसको मजबूरी में रहना पड़ा। दूसरे दिन आई तो धोबी ने पूछा पिछली रात तुमने कहाँ थी, बोले ऐसे ऐसे, बोले मैं थोड़ी राम, रावण उठा करके ले गया और अपना बराबर सिंहासन में बैठा, मैं राम नहीं, हम तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसी चीज के लिए उनको सीता को त्याग करना था, क्यों, भविष्य में माँ और बहनी सती बन कर रहे, अपना मन मर्जी जहाँ चले नहीं जाए, मन मर्जी कहीं जाकर अकेले नहीं रुक जाए, ये चीज को शिक्षा देने के लिए भगवान राम ने अपना सीता को त्याग दिया, सीता को उन्होंने त्याग दी, लेकिन जब सीता को त्याग दिया लक्ष्मण को उन्होंने, लक्ष्मण को द्वारा उन्होंने सीता को त्याग करवाया, बोले जाओ सीता को जंगल में छोड़ कर गया। इतने में तो लक्ष्मण इतने रोए हे भगवान, क्योंकि सीता जो थी वो नकली सीता थी, रावण असली सीता को उठाकर लिया ही नहीं, असली सीता तो अग्नि में थी, वो नकली सीता को लेकर गई थी, लेकिन दुनिया को शिक्षा के लिए प्रभु ये सब लीला की। लक्ष्मण बड़े रोए, बड़े दुखी हुए, बोला अब कभी मैं छोटे भैया नहीं बनता, आऊंगा तो बड़े भैया बनने से आऊंगा, क्यों, अगर बड़े बनूंगा ना कृष्ण मेरा छोटा बनेगा, छोटा बनेगा तो मेरे आदेश कृष्ण को पालन करना पड़ेगा, कृष्ण का आदेश तो मेरे को नहीं है, मेरे को नहीं, इसलिए दो अवतार भी तो बड़े भाई बन करके आज बलदेव प्रभु दाऊ बन करके आए, इसलिए बोले दाऊ बोलते ना बड़े बड़े, और नित्यानंद प्रभु बड़े हुए, लेकिन बड़े किस लिए बनना चाहते हैं, कृष्ण सेवा के लिए, अपना भोग के लिए नहीं, अपना मन मर्जी जैसे चाहूंगा मैं कृष्ण सेवा कर सकता हूँ। बलदेव प्रभु उत्तम सेवक है, उत्तम सेवक किसको कहते हैं, बोले बोलने से पहले मन की भावना को समझ करके जो सेवा करिए उत्तम सेवक है, बलदेव प्रभु उत्तम सेवक है, हर तरह से कृष्ण सेवा, महाप्रभु की उन्होंने सेवा की, इसके लिए उत्तम सेवक, इसलिए श्री कहते ये कृष्ण से इतने अभिन्न है, कहते श्री वृंदावन दास ठाकुर जब मंगलाचरण करते हैं चैतन्य भागवत में श्लोक उन्होंने बोले, बोले आजा निर्लंबित भुजो कनका बदातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वं भरो द्विज भरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये दोनों को स्तुति एक श्लोक में कर चल ही रहे, एक श्लोक में उन्होंने दोनों को स्तुति कर रहे, वो कह रहे हैं देखो मेरे गुरुदेव, उनका गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु, गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु, देखो मेरे गुरुदेव नित्यानंद प्रभु ना महाप्रभु से किसी गुण से कम नहीं,
इसलिए आजा दुर्लभ भी तो भुजो दोनों का हाथ कैसे जानो तो दुर्लभ है बोले कहने का बता दो बोले दोनों